चैन स्नैचिंग और मोटरसाइकिल चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन चोर लोगों की नजरों के सामने से बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। एक बार फिर से ऐसा हुआ और चोरों ने एक नहीं बल्कि दो चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कन्नौर में इन दिनों चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला गैंग खुलेआम घूम रहा है। घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया जाता है और वारदात को अंजाम देते समय लुटेरे सीसीटीवी में कैद भी हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी चोर पुलिस के हाथ नहीं आते। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोर कितने मस्त हैं। आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े चोर किस तरह बाइक के पास आता है और उसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। बाइक मोहित नाम के युवक की है जो अपनी पढ़ाई करने के लिए गन्नौर आता है, लेकिन देखते ही देखते दिन दहाड़े बाइक को लेकर चोर निकल जाता है। वहीं दूसरी तस्वीर में एक युवक पहले अस्पताल के बाहर लगी टोटी से पानी पीता है, उसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठकर चाबी लगाने का प्रयास करता है। चाबी लगने के बाद वो मोटरसाइकिल लेकर फरार होता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, जिसके कारण गन्नौर में ये वारदातें बढ़ रही हैं। ये पूरा मामला ये मेरी बाइक थी, मैं लाइब्रेरी में आता हूँ जो धनखड़ कॉम्प्लेक्स में है। मैं सुबह लगभग 8:30 बजे लाइब्रेरी में पहुंचा था। लाइब्रेरी मैंने बाइक नीचे खड़ी करके मैं ऊपर लाइब्रेरी में गया और मैं शाम को 5 बजे आया। जब मैं शाम को 5 बजे आया तो मेरी बाइक चोरी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे सीसीटीवी में चेक किया तो पता लगा कि दो जो चोर थे उन्होंने बाइक उठाई है, वो कैमरे में साफ दिख भी रहे हैं। एक येलो टी शर्ट में था, एक ब्लू शर्ट में था और गले में पन्ना डाला हुआ था। आपने इसकी कंप्लेंट किसी को की है? यहाँ पे मैंने पहले तो हम पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने बोला कि जहाँ पे स्पॉट पे से बाइक चोरी हुई वहाँ पे जाके आप 100 नंबर पे कॉल करो। कॉल करने के बाद आप वीटी हो जाएगी, आपकी बाइक का नंबर मांगा था उन्होंने और कंप्लेंट लिखवाई। कौन सी बाइक थी आपकी? स्प्लेंडर बाइक है, बाइक का नंबर HR 40B40 कहता। किस टाइम हुई है चोरी आपको, कुछ टाइम का पता? सीसीटीवी में जब पता लग गया था बाइक 12:25 पे 12:28 इसी टाइम पे चोरी हुई है। जब कन्नौर थाना प्रभारी वजीर रेड्डू से इस बारे में बातचीत करने का प्रयास किया गया तो इस मामले पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है और बाइक को बरामद करती है। लेकिन जिस तरह से चैन छीनने और बाइक वारदात की और बाइक चोरी की वारदात बढ़ने के बाद चोर पकड़ में नहीं आते, उससे कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि पुलिस का अब इन चोर उचक्कों में कोई खौफ नहीं रह गया है। कन्नौर से आशीष मुर्गिल की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।